तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फैनकोड ईसीएस टी10 इटली सुपर सीरीज के बीच जो एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा किंग्स 11 वर्सेस वेनेजिया के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से 2 से 3 ऐसे प्लेयर है जो आपको आज ईजिली काफ़ी अच्छी विनिंग करवा देंगे। साथ ही साथ भाई हम बात करेंगे इस मैच में ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। साथ ही भाई बात करेंगे इस वीडियो की, मतलब जो मेन सबसे मेन बात होती है कि कौन से 2 से 3 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग में काफी अच्छी विनिंग करवा देंगे। तो वीडियो देखने आ गए होते हैं और वीडियो को लाइक करके देखना स्टार्ट करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करते हो तो फिर भाई आपका विनिंग करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टीम देने से अगर विनिंग होती ना भाई, तो कोई भी, मान लो मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। और चलिए बात करते हैं अब इस मैच के बारे में। ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं मैं जल्दी जल्दी मैच के बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो आप देख सकते हो 6 नवंबर यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 1 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा। बात करें वेन्यू की तो रोमा क्रिकेट फ्लोर रोम में मैच होने वाले हैं और पूरी सीरीज यहीं पर खेली जा रही है। और भाई आज लास्ट दिन है इटली सुपर सीरीज टी10 लीग का, क्योंकि भाई यहां पर आप देखो आज मतलब एलिमिनेटर खेला जाएगा, क्वालिफायर खेला जाएगा, फिर भाई फाइनल भी खेला जाएगा, ठीक है। तो सारे मैचेस मैं कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आज आप जैकपॉट विनिंग कर सको। और बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो आप देख सकते हो यहां पर 37 मैचेस टोटल खेले गए हैं, जिसमें से 11 मैचेस यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वही भाई बात करें अगर 25 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि एक मैच यहां पर नो रिजल्ट में एंड हुआ है, वो भी बारिश की वजह से। अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो यहां पर भाई काफी अच्छा मतलब बैटिंग को सपोर्ट मिलता है इस पिच से, और यहाँ पर बॉलर्स के लिए विकेट सेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एवरेज स्कोर की बात करें तो आपको मतलब 90 से 110 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। वेदर कंडीशन की बात करें तो पार्शली क्लाउडी रहेगा, बारिश के चांसेस काफी कम है। वैसे भाई बारिश के चांसेस थोड़े बहुत है बिल्कुल लाइट रेन के, तो अगर बारिश आएगी तो भी आपको मैं अपडेट दे दूंगा। अपडेट कहाँ पे दूंगा, उसके लिए भाई आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जो इंडिया की डोमेस्टिक सीरीज है सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी, तो वो भी मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। साथ ही और भी काफ़ी सारे मैचेज चल रहे हैं, बिग बैश के मैचेज है, वर्ल्ड कप के मैचेज है, सारे सभी के सभी मैचेज मैं कवर कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो अगर टेलीग्राम चैनल अगर आप मिस करते हो तो भाई आप फाइनल टीम नहीं ले पाओगे। फाइनल टीम यानी कि भाई जाओ अभी मैं आपको टीम दूंगा तो वो हमारी ऑलमोस्ट फाइनल होगी, लेकिन अगर बाई चांस मान लो दोनों टीम में कोई चेंजमेंट होता है या कोई प्लेयर अंदर होता है तो उसके बारे में आपको कहां पर पता लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही भाई इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम मैं आपको देने वाला हूं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना, और अगर लिंक वर्क ना करे तो आप सीधा @KPMFantasyExpert सर्च भी कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई किंग्स 11 मतलब किंग्स XI या फिर किंग्स 11 जो भी आप बोलना चाहो, इनके लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की तो आप देख सकते हो। यहां पर विकास कुमार भाई काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 35 रन बनाए प्लस 2 विकेट निकाले, कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे अच्छे चॉइस होने वाले हैं आपके लिए इस मैच में, तो इनको आप जरूर ट्राई कर लेना। मलकीत सिंह की बात करें तो भाई इन्होंने 19 रन बनाए, सिमरनजीत सिंह भाई जो 14 रन बनाए, इसके अलावा सरबजीत सिंह विकेट कीपिंग सेक्शन में 19 रन बनाए, ठीक है। तीनों के मतलब ये चारों के चारों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही भाई यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर दोनों टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टीम भी आपके लिए किंग्स 11 होने वाली, इसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि प्लेयर्स इनके फॉर्म में चल रहे हैं। बात करें पर जयपाल सिंह की तो जयपाल सिंह का इस सीरीज से पहले मतलब रिकॉर्ड इतना कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जो इटली की ये सुपर सीरीज चली है इसमें भाई इस मैच को छोड़ दो, इसके अलावा सभी मैचेस में जैकपॉट परफॉर्मेंस दी है और काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए होने वाले हैं। साथ ही भाई ये तीनों देखो 60% ओवर ये तीनों ही डाल रहे हैं, यानी कि 10 ओवर में से 6 ओवर ये तीनों डाल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। 2 ओवर यहाँ से जगमीत सिंह डाल रहे हैं, 21 रन बनाए प्लस 1 विकेट निकाला, जयपाल सिंह ने 2 ओवर डाले विकेटलेस रहे, जसविंदर सिंह भी विकेटलेस रहे, लेकिन तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट बॉलर आपके लिए होने वाले, ठीक है। नोमान अली एक और ऐसे प्लेयर है जो आपको काफी अच्छी जैकपॉट विनिंग करवा सकते हैं ग्रैंड लीग में, आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। एस मोहम्मद और लखवीर सिंह, इनकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं भाई, इनके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। मनजीत सिंह बॉलिंग करवा नहीं रहे तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे
या सिर्फ ग्रैंड लीग में एज ए प्लेयर ट्राई आप कर सकते हो। बात करें वेनेजिया की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से भाई ओसन अहमद और नाजमुल हक दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर। नाजमुल हक ने इस मैच में 0 रन बनाए, इसके अलावा भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट 15 या 17 मैच खेले जिसमें से 700 रन ये बना चुके हैं। तो आप देख सकते हो मतलब अगर बात करें T10 में, तो T10 में भाई 62 का औसत है बंदे का, नाजमुल हक की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो आप देख सकते हो जब T10 में मतलब 62 यानी कि 62 का औसत लेके कोई चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, तो इसको आप ट्राई कर लेना। राजीव मियां काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। मियां अलामी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर अगर बात करें सभी टीम्स की, तो उनमें भाई मियां अलामी सबसे बेस्ट है, तो मियां अलामी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई बात करें सागर चौकदर की, तो ये भी भाई काफी इंपॉर्टेंट मतलब आपके लिए प्लेयर होने वाले। नंबर 5/4 बैटिंग करेगा प्लस 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है। महमूदुल इस्लाम ने 2 ओवर में 1 विकेट निकाला, काफी इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाला है, ठीक है। महबूब खान को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें बिप्लोब मियां, इनकी भी भाई काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस मैच को छोड़ दे तो। बात करें माजीबुर शरीफ, तो इनके रिकॉर्ड पहले काफी इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आप देखो इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, साथ ही बॉलिंग ये अभी करवा नहीं रहे। पिछले 6 मैचेज की बात करूँ तो सिर्फ 1 मैच में 1 ओवर डाला और उसमें 1 विकेट निकाला है, ठीक है। इसके अलावा भाई इन्होंने बॉलिंग करवाई नहीं है। और यहाँ से बात करें सोजुन इस्लाम, जो विकेट कीपिंग सेक्शन मिलेंगे, इतने कुछ खास ऑप्शन आपके लिए रहेंगे नहीं। इमोन अब्दुल की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई डेमो टीम की, जो मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर भाई आपको 6 ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम मिलेंगी, वो कहाँ पर मिलेंगी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां से आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए भाइयों अगर आपको जैकपॉट विनिंग करनी है तो। अब बात करते हैं भाई यहां पर मैच के बारे में, तो मैच के बारे में बात करें तो यहां पर अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट कीपिंग सेक्शन में प्लेयर चूज करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ओपनिंग में आ रहा हो और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो। बट सरबजीत सिंह नंबर 3 या 4 पर खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें किंग्स 11 की, तो उनकी तरफ से सरबजीत सिंह नंबर 4 पर लगातार खेल रहे हैं और कभी कभी नंबर 3 पर भी खेल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें नाजमुल हक आपकी टीम में होने चाहिए, सिमरनजीत सिंह आपकी टीम में होने चाहिए, औसन अहमद आपकी टीम में होने चाहिए, ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें मलकीत सिंह की, तो मलकीत सिंह को आप ट्राई कर सकते हो। क्यों ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो ओपनिंग में आ रहा है, हालांकि बॉलिंग ये नहीं करवाता बट ओपनिंग में आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। बट अभी मैं आपके लिए पहले 4 ऑलराउंडर पिक करूंगा, यहां से ऑलराउंडर सेक्शन में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां से अगर बात करें तो आप देख सकते हो जो जयपाल सिंह है, इनकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक मतलब कितने मैच खेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच में से भाई 4 मैच में जैकपॉट परफॉर्मेंस है, 2 मैच में एवरेज परफॉर्मेंस है। यहां पर आप देख सकते हो 2 मैच में एवरेज परफॉर्मेंस है और 2 ही मैच में सिर्फ फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहां से बात करें तो मियां अलामी हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा भाई राजीव मियां को मैं ट्राई कर रहा हूं, विकास कुमार कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट दावेदार है। इसके अलावा भाई जगमीत सिंह को मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो आप देखो यहां से देख सकते हो लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा, 1 मैच में फ्लॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। आप चाहो तो यहां से महमूदुल इस्लाम को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी देखो लगातार परफॉर्मेंस करता आ रहा है, तो ऑलराउंडर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से अगर बात करें तो यहां से भाई जसविंदर सिंह को मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ, नोमान अली को मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक ऑप्शन बचता है, उसमें भाई बिप्लोप मियां को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो ऊपर से दोनों आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते। तो या तो आप मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप या तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको थोड़ा मतलब एक हल्का प्लेयर लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भाई जो 3 प्लेयर अभी रिसेंट मैचेस में खेल रहे हैं उन सभी के भाई 8.5 क्रेडिट और एम सिंह के तो भाई 9 क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट इशू आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। इसीलिए भाई मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्पोर्ट ऐसी एप्लीकेशन का, जो बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आपको खेलना है तो। स्पोर्ट ऐसी एप्लीकेशन से बेस्ट एप्लीकेशन आपको कोई नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको यहाँ पर भी एक टीम बना के देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले भाई मैं कंप्लीट कर देता हूँ एक बार ये वाली टीम, ठीक है। यहां से भाई हमें मजबूरी में बिप्लोप मियां को लेना पड़ रहा है, और क्या पता भाई परफॉर्मेंस भी दे जाए, लेकिन यार रिस्की हो जाएगा ये इसे पिक करना। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन हमारे होने वाले विकास कुमार, वाइस कैप्टन होने वाले मियां अलामीन। इसके अलावा भाई चारों के चारों ऑलराउंडर बेस्ट आपके लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं ये टीम सेव करके आपको इसका प्रीव्यू दे देता हूँ, उसके बाद भाई बात करेंगे स्पोर्ट ऐसी की टीम की, ठीक है। तो यहाँ से एक बार मैं टीम सेव हो चुकी है, एक बार प्रीव्यू आपको दे देता हूँ।
तो ये भाई हमारी टीम है, या तो आप यहीं पे है ना वीडियो को एक बार पॉज करके और ये इस वाली टीम के साथ ड्रीम इलेवन पर मतलब अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है, अगर आपको ड्रीम इलेवन पर ही खेलना है तो। लेकिन भाई अगर आपको जैकपॉट विनिंग करनी है ना, तो स्पोर्ट ऐसी एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। रेफर कोड आप डालना कार्तिक पीएम, जैसे आप कार्तिक पीएम रेफर कोड डालोगे सारे कैपिटल कैपिटल में आपको लिखना है, जैसे कार्तिक पीएम आपको लिखना है KARTIK, ठीक है, और PM, ये सारे कैपिटल में आपको एक साथ लिखना है, ठीक है। जैसे आप रेफर कोड डालोगे तो आपको मतलब जो भी हमारे मतलब जो भी मैं आपके लिए गिव अवे वगैरह कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता लग जाएंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई अभी नेट थोड़ा स्लो है तो नेटवर्क थोड़े से आ जाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर टीम बना के देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ नेटवर्क आते तब तक, एक बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई नेटवर्क हमारे आ गए हैं, तो अब चलिए बात करते हैं मैच के बारे में, और इस मैं आपको टीम बना के देने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई अगर बात करें मैच के बारे में, तो सिमरनजीत सिंह को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा भाई हुसैन अहमद नाजमुल हक को आप ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे सिंह को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ड्रॉप करके एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेना चाहो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप 5, 6, 7 जितने ऑलराउंडर चाहो उतने पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भाई हमने पूरे ये मान लो 6 के 6 ऑलराउंडर यहाँ से पिक कर लिए, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से भाई आप देखो, मैं यहाँ से भाई जय सिंह को सबसे पहले अपनी टीम में लूंगा, ठीक है, इसके बाद नोमान अली को लूंगा। तो ये भाई हमारे 11 प्लेयर हो चुके हैं यहाँ से। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से साहिल चौकदर को ट्राई कर सकते हो, किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके, या फिर किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करके आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, अगर आप चाहो ना तो आप यहाँ से महमूदुल इस्लाम या फिर किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ से साहिल चौकदर को ड्रॉप मतलब पिक कर सकते हो। बाकी भाई अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन जैसे कि मैंने आपको बताया विकास कुमार और वाइस कैप्टन मियां अलामीन रहेंगे। इसके अलावा भाई और भी सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही भाई ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और फाइनल जो टीम अपडेटेड टीम होगी हमारी वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको काफी सारी अपडेट मिलेंगी, काफी सारे मतलब चेंजेस मतलब टीम अगर करेगी तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर देख लेना, और टीम यहां पर भाई बन चुकी है। एक बार मैं आपको टीम का प्रीव्यू दे देता हूं, तो कुछ इस प्रकार की भाई हमारी फाइनल टीम होने वाली है, अगर इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होता है तो। और चेंजमेंट होगा तो भाई आपको पता लग जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।